ग्वालियर में चार दिनों से चल रहे जन सत्याग्रह आंदोलन को शिक्षकों ने समाप्त कर दिया है। धरने पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के जल्द भर्ती कराने के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया है। मध्य प्रदेश में 30,000 से अधिक संविदा वर्ग एक के शिक्षकों की भर्ती ना होने पर चयनित शिक्षक संघ ने ग्वालियर शहर के फूलबाग चौराहे पर जन सत्याग्रह नाम से आंदोलन 25 सितंबर से शुरू किया। सत्याग्रह के चौथे दिन कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शिक्षकों के धरने पर उनसे मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षकों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि जल्दी उनकी भर्ती की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए वे मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत करेंगे। मंत्री के इस आश्वासन पर शिक्षकों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि उनके इस आश्वासन पर ठोस विश्वास नहीं है। वहीं शिक्षकों ने कसम खाई है कि वे तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं होती। देखिए, हमने कहा कि कोरोना काल में पहले कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने जो कहा वचन दिए वो पूरे किए नहीं। अब समस्याएं आई हैं, हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, चिंतन मनन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, जो संभव हो सकेगा वो हम करेंगे। मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी आपकी प्रक्रिया पूर्ण करवाएंगे। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महाराज से बात करेंगे और आज चार दिन के बाद हम अपना जो प्रदर्शन है, जो जन सत्याग्रह, उसे ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। इसके लिए मैं अपने पूरे चयनित शिक्षक संघ की ओर से, जो कि हमारे माननीय मंत्री जी का जो पद चिन्ह है, उन्हीं पर चलते हुए, जैसे माननीय मंत्री जी ने चप्पलों का त्याग किया था हमारे लिए, वैसे आज भी मैं पूरे चयनित शिक्षक संघ की ओर से तब तक चप्पलों का त्याग करूँगा, तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक हमारे एक एक शिक्षक को, हमारे एक एक चयनित शिक्षक को नियुक्ति नहीं दी मिल जाती। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।